हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। वो कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट तब हमें यूज करना होता है जब हमें ये जरूरत हो कि हम सारे पूरे फिगर का मास एक छोटे से पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड मानना चाहें। मतलब इसे कैलकुलेशन इजी की जा सकती है। ये कैलकुलेशन इजी करने का एक मेथड है। ये ऐसा नहीं है कि आप इसको यूज करें ही सही। अगर इसको यूज नहीं भी करेंगे तब भी अल्टरनेट मेथड से सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। बट अगर बहुत सी फिजिक्स की प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिसमें अगर सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज किया जाए तो वो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व की जा सकती है। तो अलग अलग फिगर्स का सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं वो इस लेक्चर में देखा जाएगा। सेंटर ऑफ मास का बेसिक फॉर्मूला ये है कि सेंटर ऑफ मास का अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना हो, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वो इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा कि जो हम मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो वाला उसका एक्स लोकेशन इंटू डीएम इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। यहाँ डीएम छोटे से मास को दिखा रहा है, जो छोटा सा पार्ट हम लेकर उसका इंटीग्रेशन धीरे धीरे कर देंगे। तो इंटीग्रेशन डीएम तो एम आता है, तो जनरली ये फॉर्मूला हो जाता है 1/m इंटीग्रेशन एक्स डीएम 1/m इंटीग्रेशन वाई डीएम। अब चलो इस फॉर्मूले को यूज करके कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स का सेंटर ऑफ मास निकाला जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेमी सर्कुलर रिंग का। सेमी सर्कुलर रिंग का तो सेमी सर्कुलर रिंग ऐसी मानी जा सकती है, इसका सेंटर ये है। अगर ये कंप्लीट सर्किल होता तो इसका सेंटर ये होता। हमें ओनली सेमी सर्कुलर रिंग लेनी है, कंप्लीट सर्कुलर रिंग नहीं लेनी है, क्योंकि अगर कंप्लीट सर्कुलर होता तो सिमेट्री की वजह से उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे आ जाता। अब हमें ये देखना है कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, तो इस पॉइंट को हम थोड़ी देर के लिए 0.0 मान लेते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे फाइनली वो सेंटर से ऊंचाई या सेंटर से साइड वाइज कितना चेंजेस है उसको दिखा पाएंगे। सपोज इस रिंग का मास टोटल दिया हुआ है m, तो और अब हमें इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। तो सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए xcm और ycm निकालना होगा। सबसे पहले हम इस रिंग पे एक छोटा सा मास कंसीडर करेंगे। सपोज हम थीटा एंगल पे जाते हैं और d थीटा का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं। ये वाला एक टुकड़ा ले लिया हमने, इस टुकड़े का उस टुकड़े के हिसाब से देखेंगे और फिर इंटीग्रेट करके टोटल सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर ये रेडियस r है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट r cos थीटा कोमा r sin थीटा होने चाहिए। r cos थीटा x कोऑर्डिनेट और r sin थीटा y कोऑर्डिनेट। अब हम देखते हैं कि इसका जैसे अगर हमें xcm निकालना हो तो xcm के लिए फॉर्मूला होगा xdm डिवाइडेड बाई डीएम। तो डीएम को मैं डायरेक्ट एम ही लिख देता हूँ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है यहाँ पर। तो अब एक्स की जगह तो आर कॉस थीटा आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट इसका, लेकिन डीएम की जगह क्या आएगा ये देखना इंपॉर्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसकी लेंथ आर है तो इसकी सर्कमफेरेंस पाई आर होगी, क्योंकि सेमी सर्कुलर रिंग है। कंप्लीट टू पाई आर नहीं होगी, ओनली पाई आर होगी। तो हम ये कह सकते हैं पाई आर लेंथ का मास इज इक्वल टू एम। तो यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा एम अपॉन पाई आर, और ये टोटल कितनी लेंथ है आर डी थीटा, क्योंकि ये वाली आर्क की लेंथ देखनी होगी तो रेडियस इंटू एंगल। तो आर डी थीटा लेंथ का मास ये आ जाएगा m अपॉन पाई r, और r d थीटा में r कट हो जाएगा तो यह आ जाएगा m अपॉन पाई d थीटा। तो इस वाली चीज का मास आ गया, छोटा सा मास x हमने ऑलरेडी निकाल लिया। अब हम x cm और y cm कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो x cm अगर कैलकुलेट किया जाए तो x cm तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, x की जगह लिख देंगे हम r cos थीटा और m अपॉन पाई d थीटा, m अपॉन पाई d थीटा और डिवाइड में आ जाएगा m। तो r cos थीटा m अपॉन पाई d थीटा अपॉन m आ गया, m से m कट गया, r अपॉन पाई बाहर आ गया और अंदर बच गया cos थीटा d थीटा।
अगर लिमिट देखी जाए तो थीटा हम यहां से शुरू करके यहां तक ले सकते हैं, और यहां तक ले सकते हैं बल्कि यहां से शुरू करके पूरा लेना है तो जीरो से पाई हो जाएगा। और अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, उसमें लिमिट रखेंगे जीरो से पाई तक की, तो साइन पाई भी जीरो और साइन जीरो भी जीरो, तो ओवरऑल ये जीरो ही आ गया। मतलब इसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो ही आ गया, मतलब ये इसी लाइन पे एग्जिस्ट करेगा, इस पूरी लाइन पे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट जीरो होंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो आ गया। अब हम देखते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। हमें बस यहां से ये दिमाग में रखना है कि डीएम की वैल्यू एम बाई पाई डी थीटा है, डीएम की वैल्यू है एम बाई पाई डी थीटा। अब हम देखते हैं किसका YCM क्या आएगा, तो YCM यानी सेंटर ऑफ मास का Y कोऑर्डिनेट, तो बाहर 1 बाई एम आ जाएगा, अंदर आ जाएगा Y इंटू डीएम। तो Y की जगह तो हम R साइन थीटा लिख दें, क्योंकि इसका Y कोऑर्डिनेट जो हमने छोटा सा मास कंसीडर किया है उसका Y कोऑर्डिनेट R साइन थीटा है, और d थीटा आ जाएगा, सॉरी dm आ जाएगा m बाई पाई मल्टीप्लाई बाई d थीटा। m से m कट हो जाएगा, बाहर बच जाएगा R बाई पाई, अंदर हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। इसकी जो लिमिट है फिर से जीरो से पाई तक ही जाएगी, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस थीटा, तो माइनस आर बाई पाई बाहर आ गया और कोस थीटा अंदर रह गया, लिमिट हो गई जीरो से पाई। कोस थीटा में पाई रखेंगे तो माइनस वन और जीरो रखेंगे तो वन, तो माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस आर बाई पाई इंटू माइनस टू, मतलब y सेंटर ऑफ मास, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 2r by pi। मतलब इस वाली सर्कुलर सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं यहां पे होगा, उसका कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0.2r by pi, यानी कि ये सेंटर से 2r by pi अप होगी। अब हम देखते हैं कि सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट किया जाए। इसके लिए हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी जो भी हमने निकाला है कि सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास 0.2r / pi पर होता है। तो हम सबसे पहले ये कंसीडर करते हैं कि ये डिस्क के जो कंप्लीट सॉलिड डिस्क है, इसकी सब तरफ मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए हम एक आर रेडियस की रिंग ले लेते हैं। इसकी रेडियस आर है और इसकी विड्थ मान लेते हैं कि डी आर है, आर जाकर डी आर रेडियस डी आर विड्थ की एक सर्कुलर रिंग ले ली। तो इसका सेंटर ऑफ मास हमें पता है कि 0.2r / pi होगा, 0.2r / pi इसकी सेंटर ऑफ मास के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे। और इसका अब हमें डीएम कैलकुलेट करना होगा, तो इसका जो डीएम है वो हम कैसे कह सकते हैं, हमें कह सकते हैं कि पूरे मास आर रेडियस वाले जो रिंग डिस्क के उसका मास m है, यानी पाई आर स्क्वायर एरिया का मास जो है वो आ रहा है m, तो यूनिट एरिया का मास आ रहा है m अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसलिए इसका जो एरिया कितना है वो है पाई आर डी आर, पाई स्मॉल आर इंटू डी आर, क्योंकि ये आधा है। अच्छा, ये पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, एरिया पाई आर स्क्वायर बाई टू होगा, सॉरी, क्योंकि ये हाफ सर्कल है, तो यूनिट एरिया का मास हो जाएगा 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर, और ये भी सेमी सर्कुलर है यानी कि इसकी सर्कमफेरेंस पाई आर और विड्थ डी आर, तो पाई आर डी आर एरिया का मास क्या हो जाएगा, वही जो हम निकालना चाहते हैं, मतलब dm, वो आ जाएगा 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर डी आर। तो इसमें पाई से पाई कट हो जाएगा, मतलब मैं यू कह सकता हूं कि जो डीएम है इसकी वैल्यू आ गई 2m अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर डी आर। ठीक है, तो इस डीएम का यूज करके हम अब xcm और ycm निकालेंगे। तो पहले x सेंटर ऑफ मास निकालें तो वो आ जाएगा 1 बाई एम इंटीग्रेशन x, x जीरो है इंटू डीएम। अब यहां पे डीएम कुछ भी हो, अगर ये जीरो है तो x सेंटर ऑफ मास जीरो ही आ जाएगा। अब रही बात y सेंटर ऑफ मास की, तो y सेंटर ऑफ मास के लिए हम लिख सकते हैं कि y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1 बाई एम मल्टीप्लाइड बाई y इंटू डीएम। y की जगह 2r बाई पाई आ जाएगा, क्योंकि इसका y सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट 2 स्मॉल r बाई पाई है, और डीएम की जगह आ जाएगा 2m बाई आर स्क्वायर
इनटू आर डी आर। ओके, तो अब इसमें एम से एम कट जाएगा, टू और टू फोर हो जाएगा जो कि बाहर आ गया, फोर अपॉन पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बाहर आ गया और अंदर है क्या आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन। हमें पता है कि आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन होता है आर क्यूब बाई थ्री और लिमिट हमें जीरो से कैपिटल आर तक लगानी है, तो ये फाइनली आ जाएगा फोर अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब बाई थ्री। आर स्क्वायर से आर क्यूब का आर स्क्वायर कट हो जाएगा और इसका वाई सेंटर ऑफ मास बच जाएगा 4R by 3π। इससे ये आइडिया लग जाएगा कि इस सर्कुलर डिस्क के लिए, सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 4R by 3π होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि होलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने एक होलो स्फीयर कंसीडर किया, इसका सेंटर 0,0 पे माना, इसका टोटल मास m है और इसकी टोटल रेडियस r है। हम वही करते हैं कि जैसे हमने एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले लेक्चर में किया था, हम थीटा पर जाते हैं और डी थीटा मास का डी थीटा एंगल वाली एक रिंग लेते हैं जो थीटा से लेकर डी थीटा तक फैली हुई है, तो इसकी जो विड्थ हो गई वो आर डी थीटा हो गई, रिंग की विड्थ ये हो गई आर डी थीटा, और ये वाला जो पॉइंट है वो हो गया आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। ठीक है, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा पर ये हो जाएगा। हमें पता है कि रिंग एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल इसके सेंटर पे होगा, यानी उसकी जो हाइट है वो आर साइन थीटा होगी और उसका ये वाला कोऑर्डिनेट तो 0,0 ही होगा, जीरो ही होगा। तो इस वाली रिंग के लिए इसका सेंटर ऑफ मास आ रहा है वो आ रहा है 0,r साइन थीटा पर। अब हमें इसके अकॉर्डिंग पूरे हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, तो पहले इसका एरिया निकाल ले। हम ये कह सकते हैं कि 2πr स्क्वायर एरिया का मास इज इक्वल टू m, इसलिए यूनिट एरिया का मास वो हो जाएगा m अपॉन 2πr स्क्वायर, और देयरफॉर इस वाला एरिया का मास यानी dm ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा एरिया है, एक इसका 2πr तो इसकी लेंथ, अगर इसकी रेडियस स्मॉल r मान ले हम तो ये तो r हो गई 2πr इसकी लेंथ, और इसकी विड्थ हो जाएगी r d थीटा। अब देखा जाए तो ये वाली आर लेंथ इस आर कोस थीटा के इक्वल ही है, तो इसको लिखा जा सकता है 2π आर कोस थीटा इनटू आर यानी 2π आर स्क्वायर कोस थीटा डी थीटा। तो ये डी एम ये तो हो गया इसका एरिया, सॉरी 2π आर इनटू आर डी थीटा, और फिर यूनिट एरिया का मास ये भी तो होगा एम अपॉन 2π आर स्क्वायर, तो इस dm की वैल्यू निकाली जा सकती है 2π r स्क्वायर cos थीटा डिवाइडेड बाय एक m डिवाइडेड बाय 2π r स्क्वायर इनटू d थीटा। तो 2π r स्क्वायर से 2π r स्क्वायर कट गया तो ये हो गया m cos थीटा d थीटा। तो dm की वैल्यू निकल गई, अब हमें hcm और YCM निकालना है। तो x सेंटर ऑफ मास तो बहुत इजीली निकाला जा सकता है, x सेंटर ऑफ मास क्या होता है 1/m इनटू xdm। अब हमें पता है कि x इसका तो जीरो ही है, तो यहाँ पे x कुछ भी रखे हम जीरो आएगा, जीरो इनटू dm इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट तो जीरो आ गया। अब सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट देखा जाए, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका है 1/m इनटू y इनटू dm। तो y कितना होगा इसका, इसका y आ जाएगा r sin थीटा और dm आ गया m cos थीटा d थीटा, m cos थीटा d थीटा, m से m कट जाएगा, r बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा sin थीटा cos थीटा d थीटा। तो हम उसको दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 sin थीटा cos थीटा by 2 इंटू डी थीटा हो गया, मतलब ये हो गया आर बाई टू साइन टू थीटा डी थीटा।
अब लिमिट अगर देखी जाए थीटा की कहां से कहां तक जाएगी, तो ये जो रिंग है वो हमें यहां जीरो से स्टार्ट करके बस पाई बाई टू तक ले जानी है, उसमें कंप्लीट रिंग्स कम हो जाएंगी, तो लिमिट आ जाएगी जीरो से पाई बाई टू। साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस टू थीटा बाई टू, यानी माइनस आर बाई फोर कोस टू थीटा, लिमिट हो गई जीरो से पाई बाई टू। अब पाई बाई टू अगर हम रखते हैं तो माइनस वन आएगा कोस पाई माइनस वन, और जीरो रखते हैं तो भी माइनस वन आएगा, दोनों की वैल्यूज को सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा आर बाई टू। मतलब पोलो हेमिस्फीयर के लिए जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स है वो जाएंगे जीरो कोमा आर बाई टू। अब हम देखते हैं सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास निकालना, उसके लिए हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी कि होलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास 0.r/2 पर होता है। ये कंप्लीट सॉलिड हेमिस्फीयर दिया हुआ है जिसका सेंटर 0.0 है, रेडियस r है और मास m है, इसमें हमने एक r रेडियस वाला हेमिस्फीयर कंसिडर किया है, होलो हेमिस्फीयर जिसकी विड्थ dr है। तो हम इसका यूनिट एरिया का मास निकाल लेते हैं जिसकी हमें बार बार जरूरत पड़ती है। यूनिट एरिया का मास क्या हो जाएगा, टोटल एरिया का 2/3 पाया, टोटल वॉल्यूम का मास m है तो यूनिट वॉल्यूम का मास हो जाएगा m अपॉन 2/3 पाई आर क्यू। ये हो गया यूनिट वॉल्यूम का मास इंटू इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2πr² यानी किसका एरिया इंटू इसकी विड्थ dr। ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2π से 2π कट हो जाएगा और फाइनली dm की वैल्यू बच जाएगी, dm इज इक्वल टू 3m/r³ × r² dr। ये हो गया। अब हमें इसका xcm और ycm निकालना है, तो xcm हो जाएगा 1m ✕ xcm ✕ dm। हमें पता है कि इसका x कोऑर्डिनेट जीरो पे ही आता है तो 0 × dm आ जाएगा, 1m ✕ 0 × dm मतलब 0। अब रही बात ycm की, तो ycm निकालने के लिए हमें इस छोटे से ऑब्जेक्ट का ycm देखना पड़ेगा, वो होगा r/2 पर, यानी ये फॉर्मूला लगेगा 1m ✕ r/2 स्मॉल r/2 क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास यहां है 0.r/2 पे, इंटू dm, dm की जगह लिखा जा सकता है 3m/r³ × r² dr, m से m कट गया तो ये बचा 3/2r³ और r³ dr, r³ dr। अब लिमिट अगर देखी जाए तो इस होलो हेमिस्फीयर का पूरा जीरो से लेकर हमें r तक रेडियस लेनी पड़ेगी, तो लिमिट जीरो से r लगा दें, r³ का इंटीग्रेशन r⁴/4 होगा, r³ से r⁴ कट जाएगा और ये बच जाएगा 3r/8। इस टाइप से हम ये कह सकते हैं कि अगर हेमिस्फीयर सॉलिड हो तो उसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 3r/8 है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड हेमिस्फीयर का टोटल मास 0.3r/8 तक कंसीडर किया जा सकता है। अब हम देखते हैं होलो कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। ये होलो कोन है जिसकी हाइट h है और जिसकी स्लेंट हाइट l है, तो हम ऐसे करते हैं इसमें इस पॉइंट को 0.0 मान लेते हैं, इसकी स्लेंट हाइट टोटल l है, इस डायरेक्शन में हम x पे जाके dx विड्थ की एक रिंग कंसीडर कर लेते हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास हमें पता है कि इसके बिल्कुल सेंटर पे होता है, तो अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस x cos थीटा हो जाएगी और इसका जो x सेंटीमीटर xcm है इस रिंग का वो तो जीरो होगा और y जो है वो हो जाएगा, नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव x एक्सिस ले रहा हूं मैं, पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस, यानी सॉरी ये पॉजिटिव y एक्सिस है और इधर पॉजिटिव x एक्सिस है, तो 0, अगर इसको पॉजिटिव x एक्सिस ले लिया जाए तो 0x cos थीटा पॉजिटिव सॉरी y एक्सिस ले लिया जाए। अब इस वाले टोटल कोन का जो मास है वो हम कह सकते हैं कि पाई आर एल एरिया का मास इज इक्वल टू m, ये रेडियस r है और ये स्लेंट हाइट l है, तो पाई आर एल एरिया का मास m हो गया, तो यूनिट एरिया का मास क्या हो जाएगा, यूनिट एरिया का मास हो जाएगा m अपॉन पाई आर एल, r कैपिटल r ले रहे हैं यहाँ पे, m अपॉन पाई आर एल,
तो ये जो डीएम यानी कि इसका मास क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस स्मॉल आर वाला एरिया एम अपॉन पाई आर एल इंटू टू पाई आर इंटू डीएक्स। अब इस आर के बारे में भी कह सकते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल से आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल, ये एक्स इसकी साइड और एल टोटल साइड, तो इस आर की जगह लिखा जा सकता है आर एक्स बाई एल, यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो डीएम है वो है एम अपॉन पाई आर एल इंटू टू पाई आर की जगह आर एक्स डिवाइडेड बाई एल इंटू डीएक्स। अब हम देखते हैं अगर ये डीएम निकल गया तो इसका एक्स सी एम और वाई सी एम क्या होगा, तो एक्स सी एम तो अभी भी इसका जीरो के हिसाब से ही आएगा, वन बाई एम इंटू जीरो इंटू डीएम जीरो ही आएगा क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो ही आ रहा है। इसका वाई कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए तो वाई सी एम इज इक्वल टू हो जाएगा इसका वाई कोऑर्डिनेट, ये पॉजिटिव एक्सिस माना है हमने यानी कि एक्स कॉस थीटा, नेगेटिव मानते हैं तो माइनस आ जाता, माइनस में आंसर आ जाता एक्स कॉस थीटा, और डीएम की जगह क्या आ जाएगा एम अपॉन पाई आर एल इंटू टू पाई आर एक्स अपॉन एल इंटू डीएक्स। पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, बाहर आ जाएगा टू कोस थीटा डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर और अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर डीएक्स, और जो लिमिट है वो एक्स की आ जाएगी जीरो से लेकर कैपिटल स्मॉल एल तक यानी स्लेंट हाइट तक, तो टू कोस थीटा डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री जो जीरो से लिमिट रखने पर हो जाएगा एल क्यूब बाई थ्री, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट हो जाएगा और फाइनली बचेगा टू एल कोस थीटा बाई थ्री। तो इसका आंसर या तो ऐसे लिखा जा सकता है कि टू एल कोस थीटा बाई थ्री वाई कोऑर्डिनेट है, या हम अगर चाहें तो एल और आर में रिलेशन, एल और एच में रिलेशन देख सकते हैं। इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोस थीटा है वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस एच है और हाइपोटेन्यूस एल है, तो एच की वैल्यू हो जाएगी एल कोस थीटा, मतलब जहां एल कोस थीटा लिखा हुआ है वहां एच लिखा जा सकता है, तो वाई सेंटर ऑफ मास हो जाएगा टू एच बाई थ्री, यानी कि ये वाला जो सेंटर ऑफ मास है वो इस वाले पॉइंट से 2h by 3 नीचे होगा या नीचे वाले पॉइंट से h by 3 ऊपर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ऊपर वाले पॉइंट से ये जो इसका वर्टेक्स है उससे 2h by 3 नीचे की साइड पे होगा। अब हम एक लास्ट चीज देखते हैं वो है सॉलिड कॉन का सेंटर ऑफ मास, तो इसमें हम वही करेंगे x डिस्टेंस पे जाकर dx विड्थ की एक रिंग ले लेंगे, x डिस्टेंस पे गए और dx विड्थ की एक रिंग ले ली हमने, तो सबसे पहले तो हम कहेंगे कि 1 बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच का मास ये हो गया m, इसका टोटल मास m है और इसकी रेडियस r गिवन है, तो यूनिट एरिया यूनिट वॉल्यूम का मास हो जाएगा m अपॉन 1 बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच, तो 3 ऊपर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच नीचे रह जाएगा। जो ये छोटा रिंग लिया है इसका वॉल्यूम कितना है वो देख लें, रिंग का वॉल्यूम हो गया इसका एरिया इंटू डीएक्स यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू डीएक्स। अब ये जो आर है वो क्या होगी, वही सेम तरीका आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल एक्स अपॉन हाइट, इसकी हाइट हमने एच मानी है, तो हम लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू आर एक्स बाई एच है, तो डीएम की वैल्यू हो जाएगी इसका यूनिट वॉल्यूम का मास इनटू इसका वॉल्यूम, तो यूनिट वॉल्यूम का मास है 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर एच और इस छोटे से पार्ट का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इंटू डीएक्स, तो ये पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट हो जाएगा और डीएम की वैल्यू बची रह जाएगी, डीएम इज इक्वल टू 3m एक्स स्क्वायर डीएक्स डिवाइडेड बाई एच क्यूब, ये वैल्यू बची रह जाएगी।
अब इसका एक्स सी एम और वाई सी एम निकालते हैं हम, तो एक्स सी एम तो हमेशा की तरह जैसा अभी तक हमने निकाला है जीरो ही आ जाएगा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास एक्स कोऑर्डिनेट जीरो पर है, तो जीरो इंटू डी एम करेंगे तो जीरो हो गया। अब रही बात वाई सी एम निकालने की, तो वन बाई एम वाई, इसका y कितना डिस्टेंस पे हो जाएगा, x डिस्टेंस पे, नेगेटिव नीचे वाले को पॉजिटिव y एक्सिस मान लिया तो डिस्टेंस x है। अब dm क्या हो जाएगी यहाँ पे, 3mx स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई एच क्यूब, तो m से m कट गया पर 3 बाई एच क्यूब बाहर आ गया, अंदर है गया x क्यूब dx, और जो लिमिट आएगी x की y की जीरो से लेकर कैपिटल स्मॉल x तक, यानी कि जो टोटल हाइट है यहां तक, तो 3 बाई एच क्यूब एक्स क्यूब डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 बाई 4, और इसमें एक्स पुट करेंगे तो एच की पावर 4 बाई 4, एच क्यूब से एच क्यूब कट गया और बच गया 3h बाई 4, मतलब ये पता चलेगा कि ऊपर से ये 3h बाई 4 डिस्टेंस पे है, यानी वर्टेक्स से 3h बाई 4 डिस्टेंस पे है, और एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका 0 ही है, तो इस टाइप से इसका कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0, 3h बाई 4, तो इस टाइप से सॉलिड कोन का भी सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। आई होप आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।